यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपनी किचन में बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज केक। स्पॉन्ज बनाना एक बेसिक रेसिपी है, लेकिन अगर हमें स्पॉन्ज नहीं बनाना आएगा तो हमारा कोई भी केक अच्छे से बनकर तैयार नहीं होता। तो इसीलिए हमें सबसे पहले स्पॉन्ज बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसे बनाना बहुत आसान है, आप देखेंगे कि कितना आसान है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ मेज़रमेंट बहुत ध्यान से लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसी तरह आप अगर मेज़रमेंट लेकर स्पॉन्ज बनाएंगे तो आपका स्पॉन्ज बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर हमारा स्पॉन्ज एक बार बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है तो हम कोई भी तरह का केक बनाकर इसे बर्थडे पार्टी, क्रिसमस पार्टी पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है, उसके अंदर हम मैदा डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मैदे को किस तरह लेवल करके लिया। हमें एक कप का मतलब एक कप इस तरह लेवल करके ही लेना है। मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे। इसको बिल्कुल लेवल करके लिया है, ऊंचा उठा हुआ नहीं लेना। आप इसी मेजरमेंट से लीजिए। बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे और इन्हें हम छान लेंगे। मैंने इसीलिए आपको कप और चम्मच की सहायता से ये बताया था कि आप ध्यान रखें कि हमें इसी तरह लेवल करके सब चीज़ें लेनी हैं। एक पिंच हम इसके अंदर नमक डालेंगे और इन सबको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम वेट इन्ग्रीडियंट्स लेंगे। एक बाउल में दही डालेंगे, दही हमें खट्टा नहीं लेना है। पाउडर शुगर डालेंगे और इसे छान लेंगे। ध्यान रखिएगा, छानना बहुत जरूरी है ताकि कोई गांठ ना आए। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और इनको तब तक मिक्स करेंगे तब तक ये स्मूद नहीं हो जाता। ये स्मूद हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें वही लेना है जिसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता। इसे भी हम स्मूद कर लेंगे। ये स्मूद हो चुका है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो डालेंगे। हम एक बार में थोड़ा ही डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार में अगर हम पूरा डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बाकी बचा हुआ मिक्सचर भी डाल लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अभी गाढ़ा है। ये मैंने दूध लिया है, मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, ये डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हम दूध तब तक डालेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी हमारी केक में जैसी चाहिए वैसी नहीं हो जाती। मैंने 1/2 कप दूध लिया है। मिक्स करने के बाद अब देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें से 2 बड़े चम्मच दूध बच गया है। अब मैंने केक टिन लिया, उसको ग्रीस किया है, उसके अंदर हम सूखा मैदा डालेंगे और उसे घुमाते हुए पूरे केक टिन को हम इससे कवर कर देंगे। बचा हुआ मैदा निकाल लेंगे और अब हमारा जो बैटर है उस केक टिन में डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से टैप करेंगे। मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ है, उसे 10 मिनट के लिए हमने प्रीहीट कर लिया था। अब उसके अंदर हम 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। हमारा केक बेक हो चुका है, ये देखने के लिए कि सही से हुआ नहीं टूथपिक डालेंगे। टूथपिक क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। अब मैं इसको कपड़े से ढक कर 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद हमारे केक ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो चुका है और कितना बढ़िया, और देखो स्पॉन्जी बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इसे बनाना भी आसान है, बस मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। हमारा ये स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। तो आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।